नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी खबरों की पड़ताल। आपके साथ मैं हूं अंशु। खबरों का रुख करते हैं। शेखपुरा के बरबीघा प्रखंड अंतर्गत सरवा पंचायत के जमालपुर गांव का है मामला, जहां शराब कारोबारियों ने गांव के चौकीदार पर हमला कर उसे गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। इस घटना में चौकीदार मोहन कुमार के दाहिने हाथ की एक उंगली भी टूट गई। बीच बचाव करने गए चौकीदार के एक परिजन भी इस मारपीट में घायल हो गए। घटना को लेकर आधा दर्जन से अधिक लोगों को नामजद अभियुक्त बनाते हुए बरबीघा थाने में एक प्राथमिकी दर्ज कराई गई। इस संबंध में चौकीदार मोहन कुमार ने बताया कि वो मंगलवार को गांव में एक लीटर शराब लेकर बेचने जा रहे शिव कुमार मांझी को शराब बेचने से मना की। इसी बात से नाराज होकर उसने अपने परिजनों को साथ बुलाकर मारपीट की। इस घटना को अंजाम देने में शामिल मांझी रोहित मांझी, आनोपी मांझी, प्रेमन मांझी, फूलचंद मांझी, आलम मांझी के साथ मिलकर चौकीदार पर लाठी डंडे से हमला कर दिया। इस घटना में चौकीदार मोहन कुमार के सर पर भी गंभीर चोटें लगी हैं। ग्रामीणों के बीच बचाव के बाद चौकीदार को किसी तरह बचाया गया। घायल अवस्था में उसे इलाज के लिए रेफरल अस्पताल बरबीघा में भर्ती कराया गया, जहां से उसे बेहतर इलाज के लिए शेखपुरा सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। क्या नाम है? कहाँ घर हुआ आपका? चौकीदार है वहाँ? अच्छा, क्या हुआ था? कल सुनने आप पर शराब कारोबारी हमला किया है। हाँ, वो था गांव का है शिव कुमार मांझी था, एक लीटर बोतल में शराब लेके जा रहा था, जिसका विरोध किया उनके वो गाड़ी लगा। अच्छा, क्या हुआ फिर? गाड़ी का निकलने लगा, उसका विरोध किया तो धक्का मुक्की हुआ। उसका उधर से पीछे से उसका चचा और सब उसका भी बहुत शादी आकर उनको मार दिया। प्राथमिकी दर्ज किए हैं? प्राथमिकी दर्ज रात में हो गया।